छोटी इलायची की फसल बहुत बढ़िया बताई गई थी और पुराना स्टॉक इस बार ज्यादा बचा है। उत्पादक मंडियों के व्यापारी पिछले 3 वर्षों का माल स्टॉक में फंसे होने की बात बता रहे हैं, जिससे तेजी का व्यापार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार बीच बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नीचे भाव होने से निर्यात अधिक होने की संभावना भी नहीं है, जिससे 100 से 200 रुपए प्रति किलो की तेजी मंदी चलती रहेगी। छोटी इलायची की फसल पिछले 4 महीने से आ रही है तथा नीलामी केंद्रों पर अभी भी आवक का दबाव पूरा पूरा बना हुआ है। छोटी इलायची की आवक नीलामी केंद्रों पर बढ़ने से बिकवाली का प्रेशर बढ़ गया है, जिससे फसल बढ़िया होने से बाजार 50 से 100 रुपए प्रति किलो और घट गए हैं और भविष्य में तेजी के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बार फसल की क्वालिटी एवं उत्पादकता दोनों ही बढ़िया आने एवं पुराना स्टॉक बहुत अधिक बचने से सीजन के शुरुआत से ही रुक रुक कर मंदे का दौर बना हुआ है तथा निकट भविष्य में भी ज्यादा तेजी नहीं लग रही। गौरतलब है कि गत वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे भाव होने से भारतीय छोटी इलायची का निर्यात अनुकूल नहीं रहा। इस बार भी शादियों में जितनी खपत होनी थी वह पिछले दिनों महामारी के चलते घट गई तथा अनुमानित 80% की घरेलू खपत घट गई, जिससे पुराना स्टॉक ज्यादा बचा हुआ है। वर्तमान में चल रही फसल भी बम्पर आई है तथा व्यापारिक अनुमान के मुताबिक 16,000 मेट्रिक टन कुल उपलब्धि रही है। इसके अलावा पुराना स्टॉक भी नए माल आने पर 4500 से 4600 मेट्रिक टन के करीब बचा हुआ है। इस तरह नए पुराने माल की कुल उपलब्धि 20,500 मेट्रिक टन के करीब बैठ रही है, जो आगे खपत एवं निर्यात मांग निकलने के बावजूद ज्यादा है। यहाँ 6.5 mm का भाव 1100 रुपए एवं 8 mm के 1600 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं, जो 2 वर्ष पूर्व 5000 रुपए देख गए थे। इस बार भी बोड़ी, कजनेरी, संथामपारा, कुंडली आदि 20 संपादक क्षेत्रों में छोटी इलायची की फसल बहुत बढ़िया बताई गई थी तथा पुराना स्टॉक इस बार ज्यादा बचा है। उत्पादक मंडियों के व्यापारी पिछले 3 वर्षों का माल स्टॉक में फंसे होने की बात बता रहे हैं, जिससे तेजी का व्यापार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वर्तमान भाव को देखकर अभी बिक्री के हिसाब से ही खरीद करनी चाहिए, क्योंकि अभी 78% उत्पादन का माल उत्पादक मंडियों में ही बचा हुआ है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।